सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्क ऑफसेट और टूल ऑफसेट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले। यानी कि ऑफसेट हम एक्चुअल में देते ही क्यों हैं, आप समझिए कि एक मशीन के अंदर आपने एक वर्कपीस को लगाया है और उस मशीन के ऊपर आपको काम करना है तो आपको वो चीज़ पता है कि वो वर्कपीस आपने कहाँ पर लगाया है। लेकिन जब आप मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा मशीन को कि आपने मशीन के ऊपर, बेड के ऊपर उस वर्कपीस को कहाँ पर लगाया है। तो ये जो उसकी पोजीशन है उसको बताने के लिए हम उसमें ऑफसेट वैल्यू डालते हैं। यानी कि आप समझिए कि एक टूल है, उस टूल को कहाँ पर लाना है वर्कपीस के सरफेस पर ताकि हमारी मशीनिंग हो सके, इसलिए हमें उस टूल की जो टिप है उसको ये बताना होगा कि हमारा वर्कपीस कहाँ पर रखा है। ये जो बताने का जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं कि भाई ऑफसेट। ऑफसेट मतलब कि वर्कपीस के सरफेस से हमने जो है कितनी दूरी पर वो सेट किया हुआ है। ठीक है, अब सेट क्या किया है ये चीज़ समझ लेते हैं कि अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे कि भाई टूल ऑफसेट क्या है, तो टूल जो टिप है, टूल की जो टिप है वो वर्कपीस के सरफेस पे कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब कितनी दूरी पर है कैसे पता चलेगी, इसके लिए आपको समझना होगा कि जब हमारा मशीन है वो अपनी होम पोजीशन पर है, यानी कि एक अपनी स्टेबल कंडीशन में है जहाँ पर टूल जो है अपनी होम पोजीशन पर सेट है, उस होम पोजीशन से वर्कपीस कितनी दूरी पर है इसके लिए हमें क्या करना होता है, अपने टूल को जो है वर्कपीस के सरफेस पे लाना होता है। और वर्कपीस के सरफेस पे जब हम टच कराते हैं तो जब हम टूल टिप को वर्कपीस के सरफेस पे टच करा देते हैं वहाँ पर जो है हम जेड की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं। जेड की वैल्यू ज़ीरो इसलिए रखते हैं क्योंकि जो वर्टिकल एक्सेस होती है वो हमारी जेड डायरेक्शन में होती है और वहाँ पर जेड की वैल्यू ज़ीरो का मतलब है कि भाई अब इससे नीचे अगर हम जाएंगे तो हमारा जो वर्कपीस है उसके ऊपर मशीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब हम जेड जीरो पर उसको टच करा देते हैं तो वहाँ पर हम जो है मशीन के अंदर जाके मेज़र बटन दबा देते हैं। मेज़र बटन दबाने से मशीन को क्या पता चलता है ये चीज़ समझिए, मशीन अपनी होम पोजीशन से वर्कपीस के टॉप सरफेस से कितनी दूरी पर आ चुकी है। ये देख लीजिए, टूल ऑफसेट की एक डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, इसको समझ लीजिए। द वर्ड ऑफसेट रेफर्स टू द अलाउंस मेड बाय द सीएनसी मशीन फॉर द डायमीटर एंड लेंथ। डायमीटर और लेंथ दोनों ही डायरेक्शंस में टूल के सेंटर से जितनी डिस्टेंस होती है वो हमें इसमें डालनी होती है। अब देखिए क्या है, प्रोग्रामिंग ऑन ए सीएनसी मशीन इज ऑलवेज डन अकॉर्डिंग टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द कटर। सेंटर पॉइंट किसका लेना है ये ध्यान रखिएगा, जो भी हम टूल यूज करेंगे उसका सेंटर पॉइंट जो है वहीं से सारे के सारे जो रेफरेंस हैं वो लिए जाएंगे। ठीक, रेफरेंस का मतलब है कि भाई जो पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम जो है वर्कपीस पे कहाँ टच करा रहे हैं वो उस सेंटर पॉइंट से ही मेजर होंगे। ठीक है, VMC NHMC प्रोग्रामिंग बुक के पेज नंबर 30 पर आप जो है ये ओपन करके देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कंपोनेंट फिक्स्चर ऑफसेट वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रोग्रामिंग G54 से लेकर G59 कोड तक। अब यहाँ पर करना क्या है, अब ये देखिए ये जो है आपकी मशीन की रेफरेंस पोजीशन है। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ पर ऑफसेट लेना है तो ये देखना है कि आपकी जो रेफरेंस पोजीशन है इससे वर्कपीस की जो रेफरेंस पोजीशन है उसकी क्या डिस्टेंस रहेगी, तो वो आप कहाँ पर रखेंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारी एक्स कहलाएगी और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो ऊपर वाली डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो हमारी वाई कहलाएगी। तो G54 एक्स इधर हो गया, वाई इधर हो गया, तो ये हमारा वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। इसमें हम एक्स और वाई की जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो हम यहाँ पर रखते हैं, ये ऑटोमेटिकली मेजर कर लेती है। इसका मेथड मैंने आपको वर्क ऑफसेट वाला जो एक वीडियो है उसको देखिएगा, उसको समझिएगा कि हम जो है एग्जैक्टली करते क्या है।
ये जो केस है, ये केस हमारा कॉर्नर ऑफसेट के केस में आएगा, ठीक है। अब मेथड इसके कई सारे हैं ऑफसेट लेने के, कि भाई हमको एक रेफरेंस पॉइंट जनरेट करना है। रेफरेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, जहां पर एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0। अब ये जो पॉइंट होता है, इसको ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। मतलब कि जहां से हम अपने जो डायमेंशंस हैं, जो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वर्कपीस के ऊपर, हमारे टूल का जो मूवमेंट होगा वो जो है स्टार्ट पॉइंट कहलाएगा। स्टार्ट पॉइंट को आप 0 रखते हैं, यानी कि जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहां को अपनी पोजिशन एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0 रखेंगे। अब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 रखने के लिए आपको जो है ये मेजर करना पड़ता है। कैसे मेजर करते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं। यहां पर देखिए, ये जो है हमारा टूल ऑफसेट कहलाएगा G54 जेड डायरेक्शन में, यानी कि इस पॉइंट से, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो टूल होल्डर मैंने आपको दिखाया था पिछले वाले वीडियो में, G43 वाले में, वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये गेज लाइन होती है। गेज लाइन वो लाइन होती है जहां से आपकी स्टैंडर्ड डायमेंशंस कैलकुलेट होती हैं। तो ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, इसको गेज लाइन बोलते हैं। और ये वर्कपीस का जो टॉप सरफेस है, ये टॉप सरफेस, ये भी हमारा एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। तो इस रेफरेंस पॉइंट से इस रेफरेंस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, जब आप टूल टिप को यहां पर टच करा देंगे, तो आप जब मेजर बटन दबाएंगे तो यहां का जो कोऑर्डिनेट होगा वो उस G54, G55, G56 वाला जो कॉलम है वहां पर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा और क्या क्या आपको स्क्रीन पर रखना होगा वो चीज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, ये वाली जो आपकी स्क्रीन आएगी मशीन के ऊपर, आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी, ठीक है। OIMF कंट्रोल में आपको ये चीज दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये फानुक सीरीज OIMF, यानी कि लेटेस्ट कंट्रोलर है फानुक का। इसमें आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा G54 है, 01 02 03, ये लिखा हुआ है G54, G55, G56। ऐसे ही और जब आप स्क्रॉल करके नीचे स्क्रीन पर जाएंगे तो 57, 58, 59, ये जो है आपको ऑफसेट की वैल्यूज दी होंगी। यहां पर क्या दिया है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, ठीक है। जब आप एक्स पे ये कर्सर जो है, जहां पर कर्सर ले जाएंगे ये येलो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप जेड पे लेके गए, और यहां पर आपने एक मेजर बटन है, ये देखिए ये मेजर बटन है, इस मेजर बटन को आपने जब प्रेस करेंगे तो उस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, उस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो यहां पर आ जाएंगे। यानी कि मशीन वो रिकॉर्ड कर लेगी कि भाई ये जो है जेड पोजीशन अपनी रेफरेंस पोजीशन से कितनी दूरी पर है, ठीक है, वो यहां पर इसमें मेजर हो जाएगी, यहां पर आ गई। उसी तरह से जब आप वाई में ले जाएंगे तो वाई पोजीशन के जो मेजर करेंगे जब आप, तो वो वाई के कोऑर्डिनेट मेजर कर लेगी। एक्स के करेंगे तो एक्स की पोजीशन मेजर कर लेगी। तो जब ये मेजर कर लेगी, ठीक है, मेजर जब आपने कर दिया तो वो उसका रेफरेंस पॉइंट जनरेट हो गया, वही हमारा ऑफसेट पॉइंट कहलाता है। अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, ये देखिए, ये मशीन का रेफरेंस पॉइंट है, ये आपके वर्कपीस का रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, जिसको डेटम पॉइंट भी बोलते हैं। डेटम पॉइंट यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां से सारी की सारी डायमेंशंस कैलकुलेट होती हैं, वो आपका डेटम पॉइंट भी कहलाता है। डेटम लाइन आपने सुना होगा, जब आपने इंजीनियरिंग की होगी तो आपको बताया जाता है कि भाई ये आपकी डेटम लाइन है, यहां से आप जो है कोई भी चीज मेजर कर सकते हैं। तो ये मशीन का रेफरेंस पॉइंट हो गया, मशीन जहां पर खड़ी होती है अपने टूल को लेकर, G28 कोड जब आप लगाते हैं या G30 कोड लगाते हैं, तब अपने अपने रेफरेंस पोजीशन यानी होम पोजीशन पर चली जाती है। तो उस पॉइंट को स्टैंडर्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है, वहां से आपके जो वर्कपीस का जो पॉइंट है, जो आपने सेट किया है कि भाई मुझे जो है वर्कपीस का Z0 यहां पर सेट करना है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। यही जो सेटिंग होती है, इस सेटिंग को आप जो है प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। मैं आपको जो है, जब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी तो आप वहां पर ये सारे डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अपना जो रेफरेंस पॉइंट है, उस पॉइंट से वर्कपीस के रेफरेंस पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगी एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन में, ठीक है, वो यहां पर रिकॉर्ड हो जाएगी। ये जो है G54, 55, 56 जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए हुए हैं वहां पर रिकॉर्ड होगी।
तो हमेशा जो है 01 में हम करते हैं या फिर हम 00 वाले कॉलम में करते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए G54 के नीचे जो 00 दिया है, जब आप सिंगल टूल यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, सिंगल टूल सिंगल वर्क पीस लगाते हैं तो ये यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर आप मल्टीपल टूल मल्टीपल वर्क पीस लगाते हैं तो आप जो है 01, 02, 03, 04 ऐसे करके G54, G55, G56, G57 ऐसे ये जो वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए हुए हैं, बेड के ऊपर आप जो है 5-6 वर्क पीस लगा देते हैं और उनका अलग अलग रेफरेंस पॉइंट लेकर ऑफसेट बनाते हैं, तो उनकी वैल्यू आप यहाँ पर सेट करते हैं। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब मैं आपको प्रोग्रामिंग समझाऊँ तो आपको ये सही तरीके से समझ में आए। इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूड करके इस वीडियो में आपको समझाऊँ तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि भाई वर्क ऑफसेट क्या है, एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट हैं वीएमसी के अंदर, उन कोऑर्डिनेट की रेफरेंस वैल्यू जो है हम वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखते हैं। ठीक है, टूल ऑफसेट क्या है, टूल हमारा वर्कपीस के सरफेस से कितनी दूरी पर है, वर्क ऑफसेट क्या है, वर्कपीस की एक्स और वाई प्लेन के अकॉर्डिंग हमारा वर्कपीस कहां पर रखा हुआ है वो हमारा वर्क ऑफसेट कहलाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, बाकी इसका प्रैक्टिकल जो सेशन रहेगा वो आप हमारे सेंटर पे आके लेंगे, वहाँ पे अटेंड करेंगे, जो भी डाउट है वो आपके वहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे CNC CAD CAM Academy आपको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी डाउट है बुक से रिलेटेड वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।